देश के किसानों ने सरकार से खुले तौर पर आर पार करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, मोदी सरकार द्वारा किसानों को MSP को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको आप किसानों ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है, जिसके बाद से मोदी सरकार की नींदें भी दोस्तों उड़ चुकी है। किसान नेताओं ने खुले तौर पर खुला ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। इतना ही नहीं, किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी सारी मांगे नहीं मानती तो चाहे जो हो जाए वो दिल्ली जाकर ही रहेंगे। आप भी सुनिए पहले खुले तौर पर क्या कुछ किसान नेता दिल्ली का कूच करने को लेकर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली कूच होकर ही रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में पहुंच जाओ, ताकि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं करी तो 21 तारीख को 11 बजे हम लोग दिल्ली की तरफ चलाएंगे। मेरी प्रार्थना है, जो भाई अभी हमारे ज्यादा जोश में हो रहे थे, उनको अपना हमने अपना विरोधी नहीं मानना, वो हमारे भाई है, हमारे अपने परिवार के हैं। हर विचार के नौजवान होते हैं, हर विचार के नौजवान होते हैं। घर में कोई हमारा भाई हो, कोई गर्म दल का भी हो, कोई नरम दल का भी हो, अगर हमारे किसी भाई से विचार नहीं मिलते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा भाई नहीं रहा। भाई तो हमारा है, तो ये भाई भी हमारे भाई है और ये भी आंदोलन जीतने, मोर्चा जीतने के लिए ही आए हुए हैं। तो अपने किसी भी तरह का आपस में कोई नोक झोंक या कोई बहसबाजी से बचना है। लेकिन प्रार्थना एक कर रहे हैं आपसे, जो 21 तारीख का फैसला लिया है। अब पूरा मामला जरा एक बार आपको समझाते हैं कि क्या कुछ है। किसानों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, कहा MSP गारंटी से कम कुछ नहीं मंजूर। आगे क्या कुछ खबर में लिखा है वो भी बताते हैं। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने MSP पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया था, जिसको किसान मोर्चा ने सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों का कहना है कि C2+50% से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं है। साथ ही किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाती हम डटे रहेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा ने सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के MSP पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के प्रस्ताव को प्रमुख मांगों को भटकाने और कमजोर करने वाला बताते हुए सिरे से इसको खारिज किया है। किसान मोर्चा का कहना है कि C2+50% से नीचे कुछ भी हमें स्वीकार नहीं। किसानों का कहना है कि साल 2014 में आम चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी MSP का किसानों से वादा किया था। किसानों ने बताया कि साल 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसकी मांग भी की थी। अगर मोदी सरकार जो है किसानों से किए अपने साल 2014 के वादे को लागू नहीं कर पा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से जनता को ये बात बताए, ये किसानों का कहना है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 21-22 फरवरी को होने वाली LCC और संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा की बैठक में स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सभी मांगों को पूरे होने तक संघर्ष को तेज करने के लिए भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी। यानी किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वो चाहे जो भी हो जाए दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया था वो सिरे से किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने तो आर पार करने की कोशिश जो है पूरी तरीके से कर ली है, ठान ली है, जिसको देख सबकी हालत पस्त हुई पड़ी है। किसानों को रोकने के लिए सरकार अब कौन सा पैतरा आजमाने वाली है ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन जिस तरीके से किसान पूरी जोश के साथ बॉर्डरों पर डटे हुए हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्या कुछ स्थिति किसान आंदोलन को लेकर बनी हुई है उसकी जानकारी, उसकी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है, किसानों को 5 फसलों की MSP का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको जो है सिरे से खारिज कर दिया गया है। और किसानों का कहना है कि यह प्रस्ताव उनके हित में नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे हैं कि जितनी भी पूरी 23 फसलें हैं उन सभी पर MSP की गारंटी का कानून बने और अन्य जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो, तभी जाकर वो बॉर्डरों से हटेंगे और दिल्ली कूच नहीं करेंगे। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार कितने ही पैतरे अपना ले, कितने ही रणनीति बना ले, कितनी ही राजनीति कर ले, वो हटने वाले नहीं है अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और जिस तरीके से दिल्ली कूच करने की तैयारी
किसानों ने कर ली है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।